कई ऐसे होते हैं जो एक तरफा प्यार होता है जिनका, ठीक है, एक तरफा मतलब लड़की देखी है उससे प्यार हो गया। अब जब प्यार हो गया तो भाई साहब वो लड़की को पता नहीं है, लड़की को कुछ पता नहीं, लड़की को लेना देना भी नहीं है, भाई साहब उसको स्कूल से उसके पीछे पीछे जाएंगे, उसके घर तक छोड़ के आएंगे, लड़की को पता भी नहीं है, उसके पीछे पीछे, और लड़की देख भी नहीं रही, लड़की कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, टाइम कितना खराब करता है, स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहेंगे, जब वो लड़की निकलेगी तो उसके पीछे पीछे जाएंगे, साइकिल पे जा रही है तो साइकिल पे चलते चलते जाएंगे, घर तक उसको छोड़ के आएंगे फिर अपने घर आएंगे, शाम को जब वो गेट से बाहर निकलेगी तो कब निकलेगी और उसका टाइमिंग क्या है बाहर निकलने का, उसके लिए अपना टाइम खराब कर रहे होंगे, वो कब बाहर आती है, कब है, नहीं है। तो ऐसे प्यार में उतावलापन और पागलपन भी सही नहीं है ना, जिसमें आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो और उसमें आप पढ़ लेते है ना, और पढ़ लिख जाओगे तो ये सब चीजें तो बड़ी कॉमन है, बाद में भी हो जाएंगी। ये लोग कई तो बहुत ही डेढ़ चाड़े होते हैं, जैसे जा रही है रस्ते में और बीच रस्ते में ए चॉकलेट लाया हूँ तेरे लिए नहीं चॉकलेट लाया हूँ तेरे लिए नहीं उसको किताबों की जरूरत है तो तुम किताबें दे रहे हो, अच्छा तूने होमवर्क नहीं किया ना, ले मेरा कॉपी ले ले, होमवर्क कर ले, तेरा होमवर्क करना है मैं कर दूंगा नहीं, पर कई लड़के डेढ़ छाने होते हैं वो लड़कियों से होमवर्क करवा रहे होते हैं प्यार मोहब्बत के चक्रों में। तो होता है, दैट डिपेंड्स कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है, अगर लड़का स्मार्ट है तो वो लड़कियों से काम करवा लेता है, और लड़की स्मार्ट है तो वो लड़कों से काम करवा लेती है।